अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तला'आत अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं। हुकूमत ने साइफर केस, फॉरन फंडिंग और 9 मई के हमलों की वजह से पीटीआई पर पाबंदी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आइन मुल्क दुश्मन जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करे। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, मगर आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल अक्वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश, साइफर का केस एस्टैब्लिश, अमरीका में रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश कि हमारी बुर्दबारी, हमारे तहम्मुल और हमारी दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा जाता है, हमारे अखलाक को शायद कमजोरी समझा जाता है, हमारी इस पेशेंस को और हमारी इस दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा गया। और बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस वर्ड में देना चाहता हूँ कि नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। मुल्की दिफा पर जाती मफाद के लिए हमला किया, आपका पूरा खानदान उस हमले में मुलव्वस। छोटा मुंह बड़ी बात इसे कहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं है। अता तारड़ के ऐलान पर पीटीआई की आदत की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नून लीग समेत तमाम पार्टियां मुश्तरका तौर पर भी पीटीआई के बराबर नहीं। उमर अयूब बोले, 3 दिन तक मरी में खिचड़ी पकती रही, फैसले में उनके इत्तेहादी भी उनके साथ नहीं। शिबली फराज ने अपने वालिद का शेर पढ़कर पैगाम दिया कि बानी पीटीआई इनके पूरे लश्कर पर भारी हैं। जिस अंदाज से ऐलान हुआ है, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मुजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने पीटीआई को रिवाइव किया है, पीटीआई को जान दी है, पीटीआई को वो राइट दिया जो हमारा हक था। आज के ऐलान से ये वाजे है कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत उस साजिश में बराबर की शरीक में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी और जो खिचड़ी जो सामने आई है वो ना होने के बराबर चीज है। इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है। इस चीज बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। वही जमात जो कि इतनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन ना अहली, एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीका कार रहा है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था, एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। तू यही हार गया मेरे बुजदिल दुश्मन, मुझसे तनहा के मुकाबले तेरा लश्कर उतर। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना करेगी, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। राणा सनाउल्ला ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर और लीगल टीम के मशवरे के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की जाएगी। इन मुल्क के मुखालफ सरगर्मियों पर उसको पाबंदी का केस जो है वो करना चाहिए, तो वो फिर जब फैसला होगा तो उसके मुताबिक फिर जो है वो सारे ये प्रोसीजर और आइनी और कानूनी तकाजे जो है उनको देखा जाए, तो पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी, तो फैसला जो है वो कैबिनेट से वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये बात मौजूद है। ये फैसला तो खैर इत्तेहादियों के साथ मिलके और लीगल टीम के मशवरे के बाद दिया जाएगा कि वो किस तरह से इसको ज्यादा मौसर और ज्यादा बेहतर समझते हैं। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है, ये लोग किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा दे दिया, कहा जो करना है आइन के मुताबिक करना होगा। बानी पीटीआई ने जुल्म किया तो क्या आप भी जुल्म करेंगे?
हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं, और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। हम बात मुल्क की कर रहे हैं, हम बात आइन की कर रहे हैं, जो कुछ करना है आइन के अंदर रहे, कोई और रास्ता नहीं है। आपको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। उसने जुल्म किया, आपने जुल्म से जुल्म का बदला लेना है। उसने बीवी बच्चों को जेल में डाला, आप बीवी बच्चों को जेल में डालना चाहते हैं, डाल चुके। तो इसी पर लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस में वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी कि पीटीआई पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सब साबित करेंगे। सियासत वही कर सकता है जो दुश्मन कुवतों के साथ मिलकर रियासत मुखालिफ कार्रवाई ना करे। ये क्या तरीका है कि 9 मई के मुलजमान को जमानतें मिली, साइफर करने वाले आज़ाद घूमे और रियासत कुछ भी ना करे। पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो, वही कर सकता है जिसको रियासत मुखालफ दूसरी दुश्मन कुवतों से मिलकर रियासत को कमजोर करने के लिए उसके मईशत पर हमलावर ना हो, उसके दफा पर हमलावर ना हो, उसके अदारों पर हमलावर ना हो, मगर ये मजबूर किया गया। खुद पीटीआई ने मजबूर किया। जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले, साइफर के मुजरम खुलेआम फिरें, फॉरेन फंडिंग पर स्टे चलता रहे, तो रियासत कमजोर नहीं होगी, तो और क्या होगा। ये रेफरेंस भेजने तक मजबूर करने पर पीटीआई ने खुद अब ये हालात पैदा किए। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फाशिज्म और फस्ताइत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के फैसले पर रद्दअमल, कहा जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी, सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही गासिबाना फैसले कर सकती हैं। आज बहुत वाज़ेह लकीर खींच दी गई है, आप पाकिस्तान के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। हुकूमत और उसके इत्तेहादी कभी ब्लैकमेल नहीं होंगे, लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स और साजिश करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँ। कौम ऐसे नहीं बनती कि जब दिल चाहा मुल्क तोड़ने की बातें करो, जलाओ घिराओ करो। हमारे लीडर ने ये सिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान है। लाइन हमने आज ड्रॉ करनी है और हुकूमत ने ये लाइन ड्रॉ की है। वो लोग जो एंटी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान में बैठकर और पाकिस्तान से बाहर बैठकर इस मुल्क को कमज़ोर करने की बात करते हैं, और इन लोगों को जो साजिश में मुलव्वस हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया, उनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक किया जाएगा। हुकूमत किसी सूरत में ब्लैकमेल नहीं हो। जब इनका दिल किया ब्लैकमेल किया, कभी जलाओ घेराव की बात की, कभी पाकिस्तान को बंद करने की बात की। मुल्क और कौमें इस तरह नहीं बनती कि जब दिल करे तो आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करो। हमारे लीडर ने हमें हमेशा एक चीज सिखाई और वो ये थी कि पाकिस्तान सबसे पहले है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला, मौलाना फजलुर रहमान का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सियासी कुवतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात हैं। उनका कहना था कि बेहतर है कि ताकतवर हलके जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएं, मुल्क और ख़ुद उनके लिए उतना ही बेहतर होगा, बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत कर दी है। खुर्शीद शाह ने एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया। रजा रुबानी और फरतुल्ला बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के केस की बातें फजूल हैं। पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमात पर पाबंदी का इकदाम हमेशा नाकाम रहा और तारीख के कूड़ेदान में फेंका गया। सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के तमाम असूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी की आदत को फैसले की मुखालफत की तजवीज़ दे दी। बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो से राबता किया जाएगा। बिलावल एक हफ्ते से गैर मुल्की दौरे पर अमरीका में मौजूद हैं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला, शर्जील मेमन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा कि आज जो कुछ हुआ
पीटीआई लीडरशिप के इंतहा पसंद रवैये की वजह से हुआ। मौजूदा तमाम सूरतहाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फासिज्म पाकिस्तानी सियासत के साथ नहीं चल सकते। पंजाब से मंतखब कराए गए अराकीन से तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई पर पाबंदी की बातें की गई। लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस को समाज को समाज के काबिल समझेगी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसिन की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत, कहा कि फॉर्म 45 पर बहुत टेम्परिंग की गई, 90 या 95 हज़ार वोट्स को 6 हज़ार किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की फजूलियात को दरखुरे तनाह समझे। हुकूमत क्यों करने जा रही है? इसलिए कि हुकूमत तवज्जो हटानी चाहती है एक मामले, जो उसने बहुत बड़ा जुर्म जो हुकूमत के से सरजद हुआ है, और हुकूमत सिर्फ जनरली हुकूमत नहीं कि काबीना ने फैसला कर दिया, इंडिविजुअली जो मियां शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असल मकसद इनका अपने जुर्म अपना, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा ही बगैर किसी मिसाल के बेमिसाल जुर्म से वो, और जिसमें ये डायरेक्टली फंसते हैं वो है फॉर्म 45 जी। फॉर्म 45 से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, ड्रामे भी करेंगे और थिएटर भी करेंगे और प्लेटलेट फिर डाउन भी हो गए कि हर खिलाफ वर्दी आइन की खिलाफ वर्दी पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। खिलाफ वर्दियां बहुत होती रहती हैं, हमसे होती रहती हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ सानेह 9 मई के मुकदमात। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने इक्तदा की। तफ्तीशी अफसरान सानेह 9 मई के 12 मुकदमात की दरख्वास्तें लेकर अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलजम के वकला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया। तो अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियाँ हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि सनम जावेद इस्लामाबाद की हदूद में रहें और उनको किसी सूरत गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने सनम जावेद को तब तक खामोशी इख्तियार करने की हिदायत करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हुनरमंद नौजवान हमारा असासा है। पंजाब हुकूमत अपने नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम, कहा कि चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्यूटा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद 40,000 करने का ऐलान। नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नागुजीर है। मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम, वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पायदार मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है। नौजवानों को तेजी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास करना चाहिए। पंजाब हुकूमत अपने नौजवानों को पेशा वाराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज का कहना है कि चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत ट्यूटा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 की जाएगी। तलबा के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिडिल टेक, मैट्रिक टेक और इंटरमीडिएट टेक मुतारिफ करवा रहे हैं। कासिम सूरी झूठे और आइन शिकन हैं। वजीर इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी का इल्ज़ाम, ट्विटर पर लिखा कि झूठे मिस्टर आइन शिकन और 5 साल से सुप्रीम कोर्ट के भगोड़े, आप लोगों का जीना मरना प्रोपेगेंडे, झूठ और मनगढ़ंत कहानियां हैं। हमें मालूम है कि आप लोगों को मरियम नवाज के हर फलाही काम से मरोड़ उठते हैं। कासिम सूरी ने शरीफ खानदान पर सोलर पैनल इम्पोर्ट पर सब्सिडी खत्म कराकर स्टॉक करने का इल्ज़ाम लगाया था। तो आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बन्नू कैंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया है। गुवाहाटी गेट पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी का धमाका किया गया है। मौसर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को कैंट में दाखिल ना होने दिया गया, जबकि एक कोने में महसूर कर दिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सरगोधा से खबर है जहाँ इंसानियत शर्मा गई। दरिंदा सफ्त शख्स ने चारा खाने पर भैंस की जबान काट दी। मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुहर्रमुल हराम की बात करें तो लाहौर में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। पुलिस ने मजालिस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम कर रखी है। मजीद तफसीला जानेंगे इस बारे में खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम बताएगा। अच्छा बिल्कुल, आज 8वीं मुहर्रम है और 8वीं मुहर्रम के मौके पर लाहौर की बात करते चलते, लाहौर में 400 से ज़ायद जो है मजालिस जो है मुनक्किद की गई थी, जबकि 80 से ज़ायद जो है वो आज़ादारी के जुलूस जो है बरामद
हुए हैं। मोरी गेट से जुलूस शुरू होने वाला नारकली पहुंचकर जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। 5,000 से ज्यादा अहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी पर मामूर थे। जो भी जायरीन आ रहे थे जुलूस में शिरकत करने के लिए उनको जो है वो 3 जगह चेक करने के बाद जो है वो दाखिले की इजाजत दी जा रही थी। और अगर बात करते चले बिलखसूस लाहौर पुलिस की, तो लाहौर पुलिस की जानिब से जो है वो 5,000 से ज्यादा अहलकार और अफसरान जो है वो तैनात किए गए हैं। रजाकार भी जो है वो अपनी तरफ ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। जो यहाँ पर जायरीन आ रहे हैं उसको मुकम्मल जो है वो चेक किया जा रहा है। तो इसी तरह आज 8वीं मुहर्रम है और कल जो है वो बहुत शुक्रिया आपके तफसलात के लिए। और कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान जी। आज बिल्कुल देखें 8 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस जो है निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में जो इख्तिताम पजीर हो गया है। जबकि सिक्योरिटी जो है जुलूस की सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जुलूस में किए गए थे। जबकि बुलंद बाला इमारतों के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की जानब से स्नैपर शूटर भी तैनात किए गए थे। पूरे दिन भर जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है जाफरी अलायंस का और पुलिस का, उसमें भी जुलूस की जो है मॉनिटरिंग सीनियर अफसरान की जानब से की जा रही थी। जुलूस के अंदर पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान की जानब से दौरे भी किए गए। इसके अलावा अगर हम रेंजर्स के जवानों की बात करें तो उनके आला अफसरान और पुलिस के आला अफसरान भी जुलूस के अंदर मौजूद थे। इस टाइम पे जुलूस का मरकजी हिस्सा जो है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम ठीक है। काशान बहुत शुक्रिया। गजा की बात करें तो गजा पर शुमाल से जनूब तक इजरायली लड़ाका तैयारों तोपखाने और हेलीकॉप्टर गनशिप के हमलों में 24 घंटों में 80 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। शहदा की मजमू तादाद 38,666 हो गई है। 89,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इजरायली फौज गजा के रहायशियों के मकानात भी मिसमार कर रही है। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वजारत ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से 2 रियासती हल के लिए ठोस इकदामात पर बात करेंगे। गजा में अमवात और तबाही नाकाबिले कबूल हैं। इस जंग को हर सूरत ख़त्म होना चाहिए और हंगामी बुनियादों पर सीज़ फायर होना चाहिए। डेविड लेमे इसराइली वज़ीर आज़म से 680 टन बरतानवी इमदाद के गजा में दाखिल न होने के मामले पर भी बात करेंगे। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में खेलने की इजाजत नहीं देती तो बीसीसीआई लिख कर दे। पीसीबी ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। आईसीसी को भी इस हवाले से आगाह करें। पीसीबी जरा के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर टाल मटोल से काम ले रहा है। पाकिस्तान के फायदे का अगर छोटा सा भी हो इम्कान, वतन अजीज का अजली दुश्मन हो जाता है हलकान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का मामला, पड़ोसी ने साजिशों का पूरा जाल फैला दिया। आईसीसी के लाडले ने झट फरमाइश कर डाली। हाइब्रिड मॉडल के तहत मेगा इवेंट के अपने मैचेस पाकिस्तान से मुंतकिल करने के लिए एड़ियां रगड़ने लगा। पड़ोसी के मकरूह हथकंडों पर पीसीबी का भी दबंग ऐलान। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में खेलने की इजाजत नहीं देती तो बीसीसीआई लिख कर दे। पीसीबी ने भी बड़ा मुतालबा कर दिया। आईसीसी को भी इस हवाले से आगाह करे। दूसरी जानिब आईसीसी ने भारतीय फरमाइश के तहत ही पीसीबी की जबानबंदी की गर्ज से मेगा इवेंट के लिए इजाफी फंड्स जारी कर दिए। पाकिस्तान से मैचेस की मुंतकली पर पीसीबी शिकवा ना करे। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का टीम में ग्रुपिंग करने वाले क्रिकेटर्स को वासे पैगाम। ग्रुप बंदी करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं होगी। टीम में मुबैना ग्रुपिंग, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दबंग ऐलान। लॉबिंग में मुलविस क्रिकेटर्स को वाज़े पैगाम दे दिया। कहा, ग्रुप बंदी करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक फैसला किया गया है कि हर खिलाड़ी 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी देगा। कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर टीम में नहीं आ सकेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स के मुफादात का भी ख्याल रखा। कहा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम नहीं की जाएगी। पाकिस्तान वेमेंस क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मोहम्मद वसीम का कहना है कि वेमेंस क्रिकेट टीम को मेंस क्रिकेट टीम के बराबर लाना होगा, चाहे वो मुआवजे की सूरत में हो या सहूलतों की शक्ल में। नेशनल स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में वेमेन क्रिकेट टीम पर काम नहीं हुआ। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ ना कि हमें थोड़ी बेहतर डायरेक्शन की ज़रूरत है और जिसमें जो ओबियसली जो कुछ चैलेंजेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो हमने रियलाइज़ किया है। ओबियसली जब अभी कैंप लगाया उसमें फीडबैक प्लेयर्स का भी आया, कुछ मैनेजमेंट का भी आया कि ओबियसली ये चीज़ तो हमें करनी होगी। देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स वही जो आप मैन क्रिकेट से करते हैं, तो आई थिंक आपको फिर इन्वेस्ट भी उसी हिसाब से करना होगा। तो इक्वालिटी तो डेफिनेटली आपको लानी होगी, चाहे वो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो सैलरीज हैं प्लेयर्स की,
तो उसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। अभी कैंप के दौरान भी मेरी कोशिश यही थी कि बेस्ट पॉसिबल जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी गर्ल्स को भी दी जाए। तो साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को मुल्की क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने लाल झंडी दिखा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी दस्तियाबी जाहिर करने वाले वार्नर को साफ जवाब दे दिया गया। मुल्की सिलेक्टर जॉर्ज बैली ने कहा कि डेविड वार्नर का बाप बंद हो चुका है, वो हमारे लिए एक रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, अगले बरस होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नौजवान खिलाड़ी को मौका देंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।